नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं राजस्थान के करौली की, जहां पंचायत समिति में 2 लाख रुपए की कर्ज माफी के फॉर्म मिलने से अब वहां से क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। एक साथ इन हजारों लोगों को आया देख विकास अधिकारी और पंचायत समिति के अन्य कर्मचारी भी दंग रह गए। समिति परिसर में जमा हुए लोग जब ऋण माफी के फॉर्म देने के लिए दबाव बनाने लगे तो पता चला कि वहां कोई ऋण माफी के फॉर्म मिल ही नहीं रहे हैं, बल्कि आजीविका चलाने के लिए रियायती दर पर लोन दिए जाने के फॉर्म दिए जा रहे हैं। बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए विकास अधिकारी को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिसकर्मियों ने समझाइश कर पंचायत समिति में जमा हुए लोगों को अपने अपने घरों पर वापस भेज दिया। विकास अधिकारी नंदलाल शर्मा ने बताया कि रियायती ब्याज में आजीविका चलाने के लिए ऋण दिलाने की योजना के तहत पीओ भेजकर करौली से फार्म मंगवाए गए थे, जबकि फार्मों की संख्या 250 थी और भीड़ अधिक थी। ऐसे में इस योजना के फार्म भी किसी को नहीं दिए गए। पर्याप्त संख्या में फार्म उपलब्ध होने पर ही वितरित किए जाएंगे। यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकारों ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाने वाली बीजेपी ने गरीब, किसान, नौजवान, दलित और पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया है। आपको बता दें कि गांव बिठोरा कला में आयोजित कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें समाजवादी विचारधारा से संबंधित साहित्य दिया, साथ ही पार्टी की रीति नीति के बारे में जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों को 10-10 जोन में बांटकर इसे आरंभ कर दिया गया है। पार्टी ने पिछड़ा वर्ग नेताओं के नेतृत्व में 10-10 लोगों की टीमें गांव में घूमकर सरकार की जन विरोधी नीतियों की लोगों को जानकारी देगी। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ों के आरक्षण को पिछड़े, अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़ों में बांटकर इस वर्ग की ताकत को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। ये थे जनता से झूठ बोलने का काम इन्होंने किया था। ना तो ये काला धन वापस ला पाए, ना 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दे पाए, ना 15 लाख रुपए खाते में दे पाए लोगों के, ना किसानों की आमदनी दुगनी कर पाए, ना महिलाओं को सुरक्षा दे पाए। कोई भी काम ये लोग नहीं कर पाए, एक भी वादा पूरा ये लोग नहीं कर पाए। आज पूरा देश बिल्कुल विकास के दौर में पीछे पहुंच गया है। हमारे जो बहुत ही गरीब देश थे, कमजोर देश थे, पड़ोसी देशों से भी हमारे देश की विकास दर नीचे पहुंच गई है। तो आज विकास में दिखाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, तो ये भगवान राम जी का फिर सहारा लेना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने भगवान राम के ये झूठे भक्त हैं और ये इन्होंने जिस तरह से भगवान श्री राम के नाम को भुनाने का इन्होंने काम किया था पिछले, इस बार इन्होंने अभी जो विधानसभा का चुनाव हाल में हुआ है, इन्होंने भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हनुमान, यानी के बीजेपी के आरएसएस के लोग जो भगवान श्री राम के झूठे भक्त हैं, मक्कार भक्त हैं, उन झूठे मक्कार भक्तों ने भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हनुमान जी से भिड़ने का काम उन्होंने किया था और उसका परिणाम उनको मिल गया है। अब जिस तरह से इन्होंने भगवान श्री राम के सच्चे भक्त को छेड़ा है, तो इन जो है झूठे भक्तों को उनकी औकात नजर आ जाएगी, इनकी लंका दहन होने वाली है। केंद्र या फिर प्रदेश सरकार बाल मजदूरी रोकने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन हालात भी बदलने के नाम नहीं ले रहे। मामला मध्य प्रदेश के मुरैना का है, जहां सीवर लाइन में काम चल रहा है, जिसमें बाल मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों का कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं है, वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारियों का यहां से आना जाना नहीं होता, लगातार प्रशासनिक अमला यहां से गुजरता है, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। बाड़मेर जिले गांव रोहिला पश्चिम में क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन में कमेंट्री बोलते समय माइक में करंट आने से अपने साथियों के सामने ही एक युवक को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक की लहर है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सोनड़ी के राजस्व ग्राम रोहिला पश्चिम में क्रिकेट प्रतियोगिता में कमेंट्री के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव में श्री गुरु जम्बेश्वर क्रिकेट प्रतियोगिता में कमेंट्री के दौरान भजनलाल झुलस गया। परिजन उसे धोरीमन्ना राजकीय चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं कमेंट्री से पहले भजन लाल ने भी मैच खेला और शानदार प्रदर्शन करते हुए चौके छक्के लगाए। इस पर उसके पिता किसना राम ने इनाम देकर अपने इस बेटे को प्रोत्साहित भी किया था। आजकल आवारा पशुओं का मुद्दा बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे में मेरठ प्रशासन भी हरकत में आ गया है और आवारा पशुओं को पकड़ गौशाला भेजने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आवारा पशुओं को लेकर विपक्षी प्रदेश सरकार पर लगातार हमला बोल रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों ने बकायदा आवारा पशुओं को पकड़ना भी शुरू कर दिया है। मीनाक्षी चौहान, मीनाक्षी जी, क्या समस्या है यहाँ पर? जी यहाँ है ना, एक गांव किसानों ने, जितने भी किसान हैं, सब इनसे परेशान होकर इन्होंने जितनी भी गायें हैं यहाँ बंद कर रखी हैं। कुछ भाग गई हैं, चोट वोट लगने का डर था, जो भाग गई हैं चली गई, और कुछ यहाँ बंद कर रखी है जी। हमने कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं डीएम के पास भी और एसडीएम के पास भी, और आज एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि 3 दिन का लास्ट टाइम था इनका, और अब भी ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में बता रहा हूँ, 5 मिनट में बता रहा हूँ। मतलब ये भाग क्यों रहे हैं? अगर ये भाग रहे हैं तो हम जितनी गाय हमने यहाँ बंद करी हैं, हम उनकी कुर्सी क्या बांधेंगे ले जाके? करो जो करना है। क्या दिक्कतें होती हैं गाय से? गाय से क्या दिक्कत नहीं हो रही जी, हर किसान परेशान है, क्या नहीं हो रहा बताओ? जो फसल है सारी फसल को नष्ट कर रही है। क्या दिक्कत होती है जी? पूरे दिन तो आदमी किसान पूरे दिन तो मेहनत कर रहा है, सर्दियों में प्रधान भी और एसडीएम और डीएम सब सोते हैं अपने सर्दियों में अपने घर में, और किसान पूरे दिन मेहनत करके और रात को रखवाली पे है, उनका नुकसान हो रहा है, हैं? चोट लगने का डर, एक आदमी भगा नहीं सकता, झुंड के झुंड चल रहे हैं। और इसने ऑर्डर भी कर दिए थे, जब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी बात की, क्यों नहीं हो रही ये सुनवाई? कोई गाय पकड़ने के लिए कोई टीम नहीं आती? नहीं जी, यहाँ कोई टीम नहीं आ रही है। हमारी टीम है, हम अपने चंदा वंदा इकट्ठा करके हम भिजवा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन। तब तक के लिए नमस्कार।